तमाम दिग्गज मौजूद होंगे, आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बिहार में सियासी बयार बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आ रही है और बात नीतीश कुमार के इस्तीफे तक आ गई है। वे आज किसी भी वक्त बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं और इंडी गठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए के साथ वे फिर सरकार बना सकते हैं और 28 जनवरी यानी कि कल ही नीतीश फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले सकते हैं और इसके लिए सूत्रों के मुताबिक फॉर्मूला भी सेट हो चुका है। जेडीयू के कोटे से अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे तो खबर है कि बीजेपी के कोटे से 2 डिप्टी सीएम होंगे और उनमें सुशील कुमार मोदी का भी नाम शामिल है। बिहार में सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली से पटना तक लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी बीच आज बिहार में 2 अहम बैठकें होने वाली हैं जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई। विधानसभा सीटों के आधार पर आज 2 बड़ी पार्टी आरजेडी और बीजेपी के विधायक दल की बैठक होने वाली है। दोपहर 1 बजे आरजेडी ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के आवास पर विधायक दल की बैठक बुलाई है जिसमें सभी एमएलए एमएलसी को बैठक में शामिल होने के लिए कहा गया। बीजेपी ने शाम 4 बजे पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक बुलाई। ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है, एकदम क्लियर रही है। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है और आगे भी लड़ते रहे। मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है, अब जो 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 बोले हैं उनसे पूछ। पगड़ी खोलेंगे, पगड़ी आपने बांधा में लिया था, पगड़ी खोलेंगे। समय आने वाला नजदीक स्पष्ट रहिए। हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है, पगड़ी का जवाब मैं पगड़ी के समय दूंगा। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे मराठा आंदोलनकारी अब मुंबई की तरफ कूच नहीं करेंगे और इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल कुछ ही देर में अपना अनशन तोड़ सकते हैं। देर रात मनोज जरांगे और महाराष्ट्र सरकार के बीच बातचीत हुई। सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है, मसले का हल निकल चुका है, आरक्षण पर नए अध्यादेश पर सहमति बनी है। समाजाच्या मूळ मागण्या होत्या या तीन आता झाल्या, आपली सकारात्मक त्याच्यावरती चर्चा पण झाली आणि या अध्यादेशावरती जो राजपत्र त्यांनी काढलंय याच्यावरती 3 घंटे चर्चा आपल्या मुंबई हायकोर्टाचे सिनियर वकील सगळे जवळपास 20-22 जण यांनी शब्दाची खात्री केलेली आणि त्यानंतर आपण बाहेर पडलो। उत्तराखंड विधानसभा में 5 फरवरी को यूनिफॉर्म सिविल कोड पेश किया जाएगा और इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने 1 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया। पिछले साल सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी थी कि यूसीसी का ड्राफ्ट नए साल में सरकार को मिलेगा और विधानसभा यूसीसी लाकर उस पर काम आगे बढ़ाया जाएगा।